अमेरिकी बाजारों में फाइनेंशियल्स और डिफेंसिव स्टॉक्स में बिकवाली के चलते ऊपरी स्तरों से टूटते हुए नजर आए। डाउ में 218 पॉइंट नीचे बंद हुआ और S&P में देखें 20 पॉइंट्स की मंदी रही। वहीं पर उलट उसके नैसडैक में हमने तेजी देखी। फांग शेयरों में लिवाली के कारण 45 पॉइंट ऊपर जाकर नैसडैक बंद हुआ। रॉयटर्स के हवाले से खबर आते हुए कि US स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने फिर से दोबारा चाइना को ब्लेम किया है, जहां पर कि हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसके कारण उन्होंने चाइना को जिम्मेदार फिर से ठहराया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट था 3.8% का, उस पर काफ़ी मिस देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ अनुमान सोर्सेज के द्वारा लगाया जा रहा है, जहां पर कि फाइनेंशियल ईयर 20 के जो रिवाइज टारगेट थे 3.8%, वो भी सिग्निफिकेंट स्लिपेजेस के कारण जो है वो दिखेगा कि ये हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा। फिस्कल डेफिसिट सेंटर जो है फाइनेंशियल ईयर 20 में जो रिवाइज किए थे टारगेट 0.5% एस्केप क्लॉज के कारण, उसको वो भी ब्रीच होते हुए देखेंगे, क्योंकि मार्च में जो कि रेवेन्यू आता है, मार्च 15 के बाद जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट देखा गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहां पर कि ग्लास्को स्मिथ लाइन ने लॉन्च किया है, ब्लॉक डील के जरिए 5.7% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर में बेचेंगे। जो डील होगी 1850 से लेकर 1950 रुपए के बीच हो सकती है। और चलिए इसमें इंटरनल देखते हैं कि इसमें कहाँ पे 1850 से 1950 के बीच डील होने की संभावना है, जो कि 8% से लेकर 3% से तक के डिस्काउंट, जो कि प्रीवियस क्लोज 2010 रुपए के करीब आया है, उसमें 9% के करीब करीब आप समझो कि डिस्काउंट रहेंगे। कितने शेयर्स के काम होंगे, तो 13,37,00,000 शेयर्स, ये देखिए 13,37,00,000 शेयर्स का काम आज होने की उम्मीद है ब्लॉक के जरिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के ट्रेडिंग सेशन। और सुजुकी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए कि कंपनी अपना प्रोडक्शन मनेसर फैसिलिटी पे 12 मई से चालू करेगी। यस बैंक के नतीजे आए, जहां पर कि CNBC TV18 का अनुमान था 4,438 करोड़ के नुकसान का, वहीं पर कंपनी ने 3,668 करोड़ का नुकसान पोस्ट किया है। NII देखें अनुमान से बेहतर है, 1,273 करोड़ का NII जो कि अनुमान था 923 करोड़ रुपए, तो अनुमान से दोनों नंबर्स ऊपर आते हुए। कुछ और देखते हैं इंटरनल में, तो यहाँ देखें एसेट क्वालिटी में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। GNPA 19% सुधार है, नेट NPA में भी देखें 22% का सुधार है, क्रॉस NPA परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वहाँ भी सुधार देखा जा रहा है। पिछली साल इसी तिमाही में देखें तो 18.87% था, जो कि घट के 16.80 रहा है इस क्वार्टर में। और नेट NPA में भी सुधार देखने को मिल रहा है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से 5.03 इस बार है, जो कि लास्ट ईयर 5.97 था। USD INR का डेली चार्ट आपके सामने है, और इस चार्ट में हमने पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि इसमें एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है। ये देखें कि जिस तरह से एक्टिविटी पैन आउट हुई है, वहाँ पर एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनते हुए, और 36.35 के पास ये सिग्नल दे रहा था कि ये राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन है, और उसके बाद 1.20 रुपये के करीब की गिरावट इसमें देखी गई, और फिर हम वापस जहाँ से फॉर्मेशन गिरा था टूट के, फिर हम उसी के आसपास आ गए हैं। अब कहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल जो बन रहा है वो 76.7 के आसपास है, 76.7 अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो फिर हम 76.30-35 और फिर उसके ऊपर भी, क्योंकि वहाँ से अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जो भी शॉर्ट है वो अनवाइंडिंग हो सकता है यहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हमको वॉच आउट करना है। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में 76.10 हमने देखा था, 76.10 बनते हुए, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ बहुत देर तक वहाँ पर, और फिर जाकर नीचे बंद हुआ। तीन दिन की एक्टिविटी देखें तो काफ़ी कंटेंट है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है पहले से, इसका मतलब है कि अब हम जो है एक मूव की तैयारी कर रहे हैं और एकदम लेवल के पास है जहां से ब्रेकआउट आई द साइड मूव हम देख सकते हैं। जो फंडामेंटल न्यूज़ पेंडिंग है अभी हमारे मार्केट में वो है कि गवर्नमेंट अभी भी विचार कर रही है कि पैकेज दिया जाए, और ऐसा एनालिस्ट कवायद कर रहे हैं, मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए तक के पैकेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे सकती है। अब देखें कि उसमें कितना फ्रक्टिफाई होता है और कितना गवर्नमेंट देती है उसके ऊपर होगा कि कितना गवर्नमेंट अपने बैलेंस शीट पे स्ट्रेस लेगी, और अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो डेफिनेटली हमारा
और रुपया कमज़ोर होगा और हम जो है ये सारे लेवल 6-7 और फिर 6-30 के लेवल टूटते हुए देख सकते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस लिया गया। और ठीक इसके उलट अगर स्ट्रेस नहीं लिया गया तो देखेंगे कि इसमें INR जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल रीजंस जो हैं तेल के दाम अभी भी काफ़ी नीचे हैं, तो उस लिहाज से नीचे जाने की काफ़ी उम्मीद रहेगी। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के करीब हम बैठे हुए हैं। ऊपर के लेवल आपको बता दिया मैंने, अब नीचे कहाँ सपोर्ट आता है तो 75-80 पैसे के आसपास, और 75-80 के नीचे अगर चलता है तो 75-69 और फिर 75-55 इसके आसपास के लेवल हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट हम देख रहे हैं। पहले मिनट चार्ट पे देखें कि मार्केट नीचे की तरफ खुला और काफ़ी फिर डीप कट आए थे मार्केट में शुरुआती सेशंस में। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशंस में अगर देखें तो शुरुआती कम से कम आधे घंटे के अंदर काफ़ी एक डीप कट आया, फिर अचानक से मार्केट में वॉल्यूम के साथ देखिए वॉल्यूम बढ़ते हुए और फिर एक रिकवरी, बहुत फास्ट रिकवरी ऊपर की तरफ हमने देखी। पूरे दिन कंसोलिडेट की लेटर हाफ में हमने एक गिरावट भी देखी थी और उसके बाद फिर से रिकवर होते हुए मार्केट। डेली चार्ट पे देखते हैं कि जैसा कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको अपडेट किया था, सपोर्ट कहाँ पर था तो 9120 के करीब सपोर्ट की बात हमने की थी। 9116 का लो करीब निफ्टी ने बनाया है, और जब हम रेजिस्टेंस की हमने बात की थी तो 9320 और 9350 के आसपास रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस था, और देखें 9346 के करीब करीब जाके हाई बनता है मार्केट में। तो ये जो जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बात की, दोनों एक्टिविटी के बीच में है। आज का ट्रेड फ्रेम ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी, और हमने आज के ट्रेडिंग सेशंस में ये भी देखा था जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन गया है उसमें, कि ऑप्शंस में काफ़ी पुट राइटिंग देखने को मिली है हमको, और 9100 से लेके 9000 से लेके इनफैक्ट 9300 तक के स्ट्राइक प्राइस पे हमने ऑप्शंस राइट होते हुए देखे। मतलब यहाँ पर ऑप्शन राइटर इमर्ज होना मतलब मार्केट में हो सकता है कि एक तेज़ी की तरफ टूट पकड़े, लेकिन लेवल्स हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेम लेवल्स होंगे आज के लिए भी, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर बना हुआ है। तो ऊपर 9320 से 9350 ये एक बैंड होगा, इस अगर इसके ऊपर चलता है तो 9400 के लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं, और फिर नीचे की तरफ जहाँ लेवल हैं वो 9120 ही फर्स्ट लेवल आ रहा, 9120 फिर 9040, तो प्रीवियस सेशन के लेवल्स ऑलमोस्ट बरकरार रहेंगे ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो बैंक निफ्टी देखें, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हमने देखा था बनते हुए, और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के नीचे जाके फर्स्ट डे बंद हुआ था, और फर्स्ट डे के बाद ही रिकवरी। हमने कल भी आपसे बात की थी इस चीज़ को कि मार्केट 1-2 दिनों के अंदर कभी भी फॉर्मेशन वायलेट करता है तो फिर एक रिकवरी का प्रयास मार्केट में आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग है और लर्निंग प्रोसेस है। इसमें देखें कि अब जो ट्रेंड लाइन कहाँ पर आ रही है तो वो 20,000-55,000 के पास आ रही है, तो नेक्स्ट अब ट्रेंड लाइन में मतलब फॉर्मेशन के अंदर वापस जाने के लिए जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी वो करीब करीब 20,050 के आसपास है, तो वो लेवल नेक्स्ट डे के लिए ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। और इसमें भी चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी पूरे दिन में तो वहाँ पर भी लेवल प्रीवियस डे के ही लेवल आपको काम करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 19,500 और 20,000, तो 20,000 का जो लेवल प्रीवियस सेशन में था आज थोड़ा सा ऊपर हुआ है 20,055, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम जो है फॉर्मेशन के अंदर फिर से जाएंगे और फिर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आ चुकी एक्सपायरी है, उस लिहाज से इन लेवल पे देखना, और फिर ऑप्शंस जैसा कि एक्टिविटी पूरे दिन में पैन आउट होगी ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे वहाँ से कुछ क्लू मिलते हैं कि वहाँ कहाँ किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा पिकअप हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही मार्केट के डायरेक्शंस को देखा जा सकता है कि किधर पैन आउट होगी एक्टिविटी।
टेक्निकल चार्ट समझने के लिए हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि बताएंगे कि पैटर्न किस तरह से उभर के आ रहा है और वहाँ पर क्या मूवमेंट किधर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स। तो ये देखिए आपके सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए किस तरह से एक्टिविटी दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचते हैं तो एक, और फिर हम इसके बॉटम को सारे बॉटम को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा फॉर्म हमको बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इसको हम टेक्निकल टर्म्स में असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कहते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए बॉटम्स पे, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं बॉटम्स। इसके हेड जो होता है फ्लैटेस्ट काइंड ऑफ होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग एकदम जो है उसके आसपास एक्टिविटी देख रहे हैं धीरे 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 धीरे, और काफ़ी इन विगत 3-4 दिनों में जिस तरह से एक्टिविटी पैन आउट हुई है मार्केट में, NBFC के स्टॉक्स काफ़ी लाइमलाइट में है, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा गया है अलॉन्ग विथ प्राइस राइज। तो लग रहा है कि कुछ जो है इस सेक्टर में पूरा कुछ न कुछ एक्टिविटी या इन्वेस्टर्स के अटेंशन है। ये देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि NBFC सेक्टर की एक कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस में है, और यहाँ पर के चार्ट पैटर्न को देखें तो एक इसमें चैनल नुमा बना है और एक्टिविटी उसी के अंदर कंटेंट होते हुए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने एक वायलेशन देखा था ठीक जस्ट नीचे जो था ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे बंद हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक्टिविटी ऊपर की तरफ, हमने पहले भी आपसे कहा कि NBFC सेक्टर्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिख रही है। 265 रुपये फिर से ट्रेंड लाइन जो है, लोअर ट्रेंड लाइन 265 रुपये पर रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक फॉर्मेशन चैनल जो कि अपवर्ड चैनल है। दूसरा हम इसको अगर कहें कि टेक्निकल टर्म्स में, तो इसमें एक बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी है अगर आप देखें। फ्लैग नुमा बनते हुए पैटर्न देखें कि बेरिश फ्लैग, अगर ये फ्लैग नीचे की तरफ टूटता है तो इसके इम्प्लिकेशन काफ़ी बेरिश होते हैं, और इस केस में ये बॉटम भी वायलेट कर सकता है जो प्रीवियस बॉटम बने थे। और अगर ये नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ मतलब हम कैसे एंटिसिपेट करते हैं और किस तरह से हम इसको, इसीलिए टेक्निकल को बोलते हैं, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट जो है वो किस तरह से चित्र बन के आ रहा है, किस तरह से टेक्निकल फॉर्मेशन उभर के आ रहे हैं, अगर वो देखते हैं तो 265 रुपये इम्पोर्टेंट लेवल, अगर ये मेंटेन करके ऊपर रहता है तो इसमें आप मूव हम देख सकते हैं। प्योरली हम ये जो बात कर रहे हैं सारी समझने के लिए, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और। वोल्टेज का डेली चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है, और जो कि आने वाले टाइम में हम इसमें देखेंगे, ये हम लोग का लर्निंग सेशन है कि इसमें किस प्रकार से एक्टिविटी पैन आउट हो रही है। तो वहाँ देखिए कि एक बहुत अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन जो दिखा है कि वो पहले देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, ये देखिए वॉल्यूम कई ट्रेडिंग सेशन के बाद हमने वॉल्यूम अच्छा देखा है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि ये डबल बॉटम था, ये डबल बॉटम के पास से इसमें हमने एक नया बॉटम आज बना, नया बॉटम बनने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ इसमें फिर से इस डबल बॉटम के आसपास से घूमते हुए हमने देखा है। तो ये क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न जिसे हम कहते हैं कि एक नया लो पहले प्रीवियस बॉटम को वॉयलेट करेगा, फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है और फिर वहाँ से एक खरीदारी मार्केट में आती है और फिर रिवर्स होते हैं, प्राइसेस रिवर्स होते हैं वॉल्यूम विद अलॉन्ग विद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्राइस राइज, ये दोनों चीज़ मैच किया, और उसके बाद हम देखें कि इसमें RSI पे क्या, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है RSI, उसमें देखें तो वहाँ पर कैसी स्थिति दिख रही है। तो ये देखें यहाँ ये जो प्राइस था, ये इस प्राइस के नीचे
की RSI को देखें तो ये नीचे का है, उसके बाद नया लो बनता है लेकिन RSI रिफ्यूज करता है। तो RSI में जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो देखें तो इसको हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। RSI मतलब मोमेंटम इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि अब शायद डाउन साइड लिमिटेड है, मोमेंटम नीचे रिफ्यूज कर रहा जाने को, प्राइसेस लेकिन फिर भी नीचे चले गए हैं, प्राइसेस नीचे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, हाई वॉल्यूम, प्राइस राइज, ये हमारे सामने तीन इंडिकेटर हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जो है रिवर्सल फॉर्मेशन के इंडिकेशंस हैं। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आज के हाई के ऊपर रहता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अप मूव फिर से आएगा, इसमें रिटर्न टू द प्रीवियस जो इसमें 500-525 के लेवल्स भी हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं क्योंकि रिवर्सल अच्छा हुआ है। इस चार्ट में कैपिटल गुड्स की कंपनी है ये, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जैसा कि कोविड के बाद ऐसा लग रहा है मार्केट में कि लोग शायद डिस्क्रिशनरी जितने भी स्पेंड हैं उसको पोस्टपोन करेंगे, और उसी को दर्शाते हुए चार्ट में भी देखें तो एक्टिविटी जो कि मार्केट अभी लो 7500 का निफ्टी लो बनाया था उस समय के लो को भी इसने तोड़ते हुए, मतलब लोगों के मन में अभी भी काफ़ी निराशा है कि शायद इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं होने के कारण इनको काफ़ी लॉस होगा। लेकिन आज फिर से इन्वेस्टर्स का जो है इसमें कुछ डेफिनेटली जो इंटरेस्ट जगह है जिसके कारण इसमें हमने इतनी वॉल्यूम आते हुए देखी है। तो ये टेक्निकल पैटर्न के लिहाज से देखना काफ़ी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आ सकें।